हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। सबसे पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं अमरीश सिंह, जो कि आज भोजपुरी के इस दौर में एक इन्होंने मुकाम छेड़ा है बहुत अच्छा। अरविंद पोद्दार जी ने एक अच्छी पहल लेके आई है, जो कि बहुत खूबसूरत लोकेशन पे शूट कर रहे हैं। एक अच्छी फिल्म है, अभी टाइटल नहीं आया, प्रोडक्शन नंबर 1 पे। तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही तरक्की करते रहें और भी फिल्में करते रहें। मैं प्रोडक्शन नंबर 1 को ये शुभकामना देता हूँ कि अच्छी पिक्चर बनावे, अच्छी चले। फिल्म के हीरो नए हैं, आप उनसे मिले होंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? हीरो नए हैं, पुराने नहीं है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। कंटेंट कैसा है, शूट कैसे करते हैं और वो एक्टिंग कैसे करते हैं, तो वो चलता है। पुराने हीरो की भी कई बार हिंदी हो या कई हो, उनकी भी पिक्चरें नहीं चलती है। और कई बार हम देखते हैं कि नए हीरो की भी अगर कंटेंट अच्छा है और एक्टिंग अच्छी तो पिक्चरें चल जाती हैं। तो आजकल कंटेंट मेन बेस है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक भोजपुरी भाषा के लिए आगे आई एक महिला जो कि प्रोड्यूसर हैं, तो मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने इतना हिम्मत और ताकत रखी कि इस दौर में भी एक अच्छे पहल के लिए उन्होंने तैयारी जोर शोर में कर रखी है। जी, प्रोड्यूसर ही नहीं, भोजपुरी के अंदर लेडी डायरेक्टर भी आनी चाहिए, लेडीज कोरियोग्राफर भी आनी चाहिए और सब आने के लिए। आजकल तो वुमन पावर है, वुमन के पीछे नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं अभी 22 तारीख को रिलीज हो रही है लव मैरिज, जो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद नागधारी, फिर दुल्हनिया लंदन वाली, इसके बाद हर हर महादेव रवि जी के साथ, ये सारी रिलीज पे है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी फिल्में शूट कंप्लीट की है जो कि पोस्ट में है। और सबसे खुशी की बात है कि मेरे साथ में मैं काफ़ी दिनों से प्रयत्नशील था, जो कि मैं पा चुका हूँ, मेरे साथ हैं अनिल कावरा जी, इनकी भी फिल्म कर रहा हूँ। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे इनके सेट पे, मैं अमरीश सिंह को और पूरा इनकी यूनिट, और यूनिट के साथ हम कंटिन्यू 3-4 फिल्में कर रहे हैं। तो शायद ये साल तो मैं बिल्कुल, अनिल काबरा ने पैक करके रख दिया है, मुझे बांध के रख दिया है। अब नए साल में इंतजार रहेगा कि इनका कितना आशीर्वाद मेरे साथ और मेरे कलाकारों के साथ और भोजपुरिया समाज के साथ इनका कितना लगाव और स्नेह प्यार बना है। नहीं, बिल्कुल मैं शुभकामना दूंगा कि एक भोजपुरी से एक भोजपुरी का खिलाड़ी खेसारी जी गए हुए हैं, तो मैं बिल्कुल उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि अपना फतह यानी अपना झंडा लहरा के इस भोजपुरिया जवान वहाँ पे गया तो बिल्कुल सरताज बांध के आएगा बिग बॉस का। नहीं, पक्का ही वो फाइनलिस्ट में आने चाहिए, अच्छा खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लड़ो, केवल चिल्लाओ या गाली गलौज करो, उससे आपको दर्शक देखते हैं। दर्शक दूसरी चीज़ भी देखते हैं कि आप कितने कूल है, कितने अच्छे ढंग से रह रहे हैं, कितने सहनशील हो और आप लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर आप अच्छे ज़िंदगी में अच्छे हैं, फैमिली के साथ अच्छे हैं, तो वहाँ भी आप अच्छा ही बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कैमरे पे या बिग बॉस के शो में ज़्यादा नहीं दिख रहे, तो उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है, फैन फॉलोइंग उनको जरूर फाइनल में जिताएगी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।